हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। आज हम यहां पर देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कि आर्थिक सर्वेक्षण किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण की सीरीज चली थी जिसमें चैप्टर नंबर 1-6 तक आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम यहां पर देखेंगे चैप्टर नंबर सेवन के बाद जो चैप्टर्स हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे भी हो सकते हैं। इसको तीन प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 1-6 तक कोर इकोनॉमी यहां पर कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स आपको दिखेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित। उसके बाद चैप्टर नंबर सेवन से लेकर आपको चैप्टर नंबर 11 तक, ठीक, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कुल 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की जो टॉपिक है, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी यानी छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित जो टॉपिक्स होंगे उसके कंटेंट आपको मिलेंगे। और चैप्टर नंबर 12 यानी कि अध्याय 12, 13, 14, 15 और 16, ये जो 5 अध्याय होंगे आपके, इन 5 अध्यायों को आप समसामयिकी के साथ या जो करेंट अफेयर चल रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए पढ़े। तो इस तरह से जो इकोनॉमिक सर्वे जो कि 16 चैप्टर नामक एक बर्डन है उसको 3 भागों में आप तोड़िए। पहला चैप्टर नंबर 1-6, दूसरा चैप्टर नंबर 7-11 और तीसरा चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 से लेकर कहाँ तक, 11 तक। अभी हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 का, और चैप्टर नंबर 7 को फिर से सब पार्ट्स में तोड़ा गया है आंकड़ों के आधार पर। कृषि से संबंधित आंकड़े, जल संसाधन से संबंधित आंकड़े, ठीक, पशुधन से संबंधित आंकड़े, मत्स्य पालन से संबंधित आंकड़े और भूमि उपयोग किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पर यह हुआ प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित चीजों के बारे में यहाँ डिस्कशन होने वाला है। पहला। दूसरा, आप कई जगह देखेंगे कि फसल क्षेत्र पे GSDP में इतना योगदान, ये योगदान, ये सारी चीजें होती है। फसल क्षेत्र की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में, तो ध्यान देते हैं छत्तीसगढ़ में जब फसल वर्ड आता है तो आप अपने माइंड में रखेंगे फसल जो होता है उसके लिए 3 सीजन आपको बेसिकली पता ही है, ठीक। एक आपका आ गया रबी की फसल, दूसरा आ गया आपका खरीफ की फसल और तीसरा आप बोलते हैं जायद फसल है, ठीक। ये तो हो गया, लेकिन फसलों में क्या, ठीक है, तो रबी में भी कुछ फसल होंगे, एक अनाज हो सकता है, दलहन हो सकता है, तिलहन हो सकती है, बागवानी फसलें हो सकती है, वाणिज्यिक फसलें हो सकती हैं। तो कुल 5 प्रकार के फसलों के जो आंकड़े हैं वो हमें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलते हैं, ठीक। उसी प्रकार से खरीफ में कुछ अनाज हो सकते हैं, अनाज के बाद दलहन, तिलहन और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ बागवानी यानी उद्यानिकी यानी कि हॉर्टिकल्चर, सब्जी उब्जी वगैरह जो भी है, और उसके पश्चात आप देख सकते हैं वाणिज्यिक फसलें क्या है। तो इस तरह से इनको क्या करना है, बाइफरकेट करना है, यानी पूरे साल भर को इसको हटा दे तो पूरे 12 महीने में अनाज, दलहन, तिलहन और आपके बागवानी और बागवानी के साथ ही साथ आप वाणिज्यिक फसलों को समझिए। तो इनकी जो डाटाज हैं उनको आपको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के पश्चात इनको बाइफरकेट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। चलिए तो अभी जो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके लिए कुछ डाटा मैंने यहाँ पे लिखे ताकि आपको मैं समझा सकूँ आगे। तो पहला क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ के कृषि के संबंध में क्या सत्य कथन है। पहला कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर है, लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा कृषि जोत का क्षेत्रफल, ध्यान से पढ़ेंगे कथन को, कृषि जोत का क्षेत्रफल 41.94% है। तीसरा, कुल कृषि जोत का आकार 50.84 लाख हेक्टेयर है। और चौथा, 52% क्षेत्र जलाशयों एवं नहरों से सिंचित होते हैं, ठीक। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, जरा सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी सारे जो कथन है वह सत्य होंगे। ध्यान रखेंगे आने वाले टाइम में, अभी हम इस सीरीज में 10 से 12 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें प्रत्येक जो कथन है वो अपने आप में क्वेश्चन है, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन भी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 10 में अगर 3-3 कथन है तो अपने आप में वो 30 कथन होते हैं। तो 30 जो स्टेटमेंट्स हैं उस पे ध्यान दें तो उससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। पहला कथन सत्य है, छत्तीसगढ़ में 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर आधारित है, बिल्कुल सत्य है ये। दूसरा, लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा कृषि जोत का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो चलिए आइए समझते हैं इसे क्या है, ठीक। आयुक्त एवं भू अभिलेख बंदोबस्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है हम लोग स्क्वायर किलोमीटर 135192 स्क्वायर किलोमीटर हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो याद रखेंगे 137.89 लाख हेक्टेयर, ठीक। अगर मेरे को लाख को हटाना है, ये जो यूनिट है अगर मेरे को इसको हटाना है तो इसके आगे मेरे को 5 जीरो लगाने होंगे, तो ये अपने आप डिजिट आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले याद रखें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना, 137.89 लाख हेक्टेयर, यानी पूरे छत्तीसगढ़ नॉर्थ से लेकर साउथ
ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का पूरा जो क्षेत्रफल है 137.89। अब इसी क्षेत्रफल के ऊपर कुछ भूमि ऐसी होगी जहां पर फसल उगाया जाएगा, कुछ भूमि ऐसी होगी जहां पर वन ऑलरेडी है, कुछ भूमि ऐसी है जो कृषि और वन दोनों के लिए उपयोग नहीं होगी लेकिन वो इंडस्ट्री पर्पज से उपयोग में आएंगी। ठीक, तो इस तरह से भूमियों का क्या होने का है, बाइफर्केशन होने का। आपको सबको पता है छत्तीसगढ़ की लगभग 44% भूमि में क्या है, फॉरेस्ट है। अगर मैं इस आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अगर मैं उसे फाइंड आउट करूँ, जो उनका डाटा है उसमें उन्होंने फॉरेस्ट को 63 लाख हेक्टेयर में बताया है, 63 लाख हेक्टेयर, और उसके हिसाब से जब मैं परसेंटेज निकालता हूँ तो मेरे को 45% मिलता है, कोई इशू नहीं है। तो फिर भी आप देखेंगे लगभग अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ की भूमि को तीन भागों में बांट दूं तो लगभग 44%, ठीक, 44% जो आएगा वो आएगा आपका फॉरेस्ट, 21% जो आएगा वो अदर वर्क, एंड देन जो लेफ्ट है यानी कि 35-36% जो लैंड यूज होने वाला है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज होने वाला है। कितने का? इतने का। मैंने किसकी बात की? प्रतिशत की। ध्यान रखेंगे 137.89 का 35-36% लैंड यूज होगा कृषि के लिए। किसके लिए? कृषि के लिए। कृषि में कौन से फसल होंगे? फसल क्या होंगे जो मैंने आपको बताया, या तो अनाज होंगे, या दलहन होंगे, या तिलहन होंगे, या बागवानी होंगे, या वो वाणिज्यिक फसल होंगे। ठीक, यानी कृषि और कृषि से संबंधित जो आपके वर्क हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 35-36% है, अगर मैं उसे कैलकुलेट करूँ 137.89 लाख हेक्टेयर का, अगर 36-35% अगर मैं निकालूँ तो वो कितना होगा? वह होगा आपका 50.84 लाख हेक्टेयर। यानी कि 137.89 का 50.84 लाख हेक्टेयर है वहाँ पर हम खेती करते हैं। ठीक, वो कृषि के लिए क्या है? उपयोगी भूमि है जहां पर कृषि कार्य किया जाता है। तो 50.84 लाख हेक्टेयर में हमने क्या किया? कृषि किया। अब इस कृषि को कौन करेगा? इस कृषि को करने के लिए किसान होंगे। किसानों की संख्या जो होगी वह है 37.46 लाख। याद रखेंगे इसे जोत बोला जाता है, जोत यानी कि होता है कृषक। ठीक, जोत कृषक, या इसे ही क्या बोलते हैं हम, लैंड होल्डर्स बोलते हैं। कभी भी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज ना होंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कुल कृषि जोत यानी कृषक कितने हैं, 37.46 लाख। ठीक, कुल कृषि जोत का क्षेत्रफल यानी कितने क्षेत्रफल में कृषि होनी है, 50.84 लाख हेक्टेयर। कृषि जोत का आकार मतलब ऑन एवरेज पर किसान यानी प्रत्येक किसान को कितनी भूमि प्रोवाइड हो रही है, कितनी भूमि मिल रही है छत्तीसगढ़ के, जब 1.36 हेक्टेयर भूमि प्रत्येक कृषक में बढ़ती है। यानी एक डाटा, दो, तीन और चार डाटा आपको देखना है। आप अब क्या करते हैं, चीजों को बाइफर्केट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर हम लोगों ने दो डाटा लिया, पहला तो किसानों की संख्या के आधार पर और दूसरा उनके क्षेत्रफल के आधार पर। यानी कि अब किसानों को क्षेत्रफल के आधार पर को बाइफर्केट करते हैं। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग अभी यहाँ पर कितने हेक्टेयर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम किसान, मध्यम किसान और वृहद किसान। सीमांत किसान वो होंगे जिनके पास भूमि होगी 0.5 से लेकर 1 तक की होगी, लघु 1-2, अर्ध मध्यम 2-4, मध्यम 4-10 एंड वृहद 10 से ज्यादा हेक्टेयर की भूमि किसी के पास होगी तो वह होगी वृहद किसान। ठीक, तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा संख्या में मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस तरह से एरो मैंने खींचा हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा होंगे सीमांत, फिर होंगे लघु, फिर उससे कम होंगे अर्ध मध्यम, यानी सबसे कम जो किसानों की संख्या है वो होगी वृहद। यानी कि इन कि जो डाटाज होंगे अगर मैं इनको ऐड कर दूं, जिनको जोड़ दूं, तो मेरे पास 37.46 लाख आ जाएगा। करेक्ट होती बात यहां तक? ठीक, अब इन किसानों के द्वारा कितना क्षेत्रफल प्रयोग किया जा रहा है, किसका? इस 50.84 का। पॉइंट यहीं पर है ना कि ये वाला जो पूरे के पूरे डाटा है, नंबर्स आएंगे वो आएंगे 37.46 पे, 37.46, और इन किसानों के द्वारा कितने क्षेत्रफल पे कहां कहां पर खेती की जा रही है, और उसके नंबर्स को मैं अगर ऐड करने चले जाऊं तो वो होगा 50.84 का, यानी समेशन कितना आएगा 50.84। अब बात करते हैं यहां पे कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसको अलॉटेड है, तो ध्यान रखेंगे मध्यम, ठीक, अर्ध मध्यम किसानों के द्वारा जो क्षेत्रफल को ऑक्यूपाई किया गया है वो सबसे ज्यादा किया गया है, और सबसे कम किया गया है वृहद किसानों के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। तो पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर है, सत्य। दूसरा, लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा कृषि जोत का क्षेत्रफल 41.94 है। देखिए सीमांत के द्वारा
50.84 का 18.74% यूज किया जा रहा है, लघु के द्वारा 23.20% ऑफ 50.84 यानी 50.84 का 23.24% जो भूमि है वो लघु के द्वारा यूज किया जा रहा है, 50.84 का 26.51 अर्ध मध्यम किसानों के द्वारा यूज किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, 50.84 का 22.68% भूमि मध्यम किसानों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो जब मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तब मेरा 41.94% इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में यही बोला है, लघु एवं सीमांत कृषकों के द्वारा कृषि जोत की संख्या नहीं बोला, कृषि जोत का क्षेत्रफल की बात की, यानी इसकी बात किया, तो 18.74 से 23.20 इसका आंसर होगा। ठीक, तीसरा है कृषि जोत का आकार 50.84 लाख हेक्टेयर है, कुल कृषि जोत का आकार बोल रहा है, कुल कृषि जोत का आकार मतलब मेनली कुल कृषि जोत का क्षेत्रफल की बात है यहाँ पर। ठीक, कुल कृषि जोत का क्षेत्रफल या ये पर हेक्टेयर है, यानी कि कुल कृषि जोत का आकार मतलब ये एक तरह से क्षेत्रफल की ही बात कर रहा है। तो इसका आंसर होगा 50.84 और 52% क्षेत्र जलाशय नहरों से सिंचित होते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक एक का जो आंसर होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक, तो अब इसके साथ हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक दो। प्रश्न क्रमांक दो ये है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों में जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है, छत्तीसगढ़ के कितने में जैविक ब्रांडों की जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है। जैविक उत्पाद क्या है? तो जैविक उत्पाद की ब्रांडिंग या उस जिले को जैविक जिला घोषित करना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि 10 जिलों में जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है। ठीक है, तो भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करने के लिए रासायनिक खाद पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए जैविक उत्पाद लाए जा रहे हैं तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए भी जैविक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। तो जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गुरुआ बारी वाली, वो भी इसी जैविक उत्पाद से संबंधित हम मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रश्न क्रमांक दो को और ज्यादा हम एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक दो की तरफ रुख करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों में जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग मतलब वहाँ पे जैविक उत्पाद को उगाया जा रहा है, जैविक प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लगाया जा रहा है और उसकी ब्रांडिंग की जा रही है ताकि वहाँ पर जिन किसानों के द्वारा उसका उसकी उत्पादन या उसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा रही है उन लोगों को भी लाभ की प्राप्ति हो। ठीक, और साथ ही साथ बैकवर्ड लिंकेज से लेकर फॉरवर्ड लिंकेज तक उसको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों में जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग की जा रही है, तो इसका आंसर होगा 10, यानी आंसर होगा सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जैसे कि आपको साइड में यहाँ पर दिख रहा है इसको मैंने संभागवाइज बांटा हुआ है, तो इसे आप संभागवाइज बांटे, जैसे कि बलरामपुर, तो बलरामपुर में आपको चांगरो राइस करके जैविक ब्रांडिंग दिखेगी, चांगरो राइस, सरगुजा की बांसा झाल, सरगुजा की बांसा झाल राइस, मुंगेली में आप देखेंगे आगर जैव उत्पाद और रायगढ़ में केलो ब्रांड। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग नीचे दुर्ग संभाग में, दुर्ग में कबीर धाम में आप जो ब्रांडिंग देखेंगे उसे आप देखेंगे नेचर्स पैराडाइज। ठीक, दुर्ग में शिवनाथ ऑर्गेनिक। ठीक, और राजनांदगांव में आरुक जैविक, इसको याद रखेंगे। फिर रायपुर में आ जाएंगे तो रायपुर ऑर्गेनिक, और फिर आ जाएंगे दंतेवाड़ा यानी आदिम ब्रांड, दंतेवाड़ा की आदिम ब्रांड आपको याद रखनी है, और बस्तर का बस्तर नेचुरल याद रखना है। तो अगर मैं जिलों की बात करूं तो सबसे पहले आएगा बलरामपुर, बलरामपुर के बाद आएगा सरगुजा। ठीक, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहला है आपका कौन सा, बलरामपुर, दूसरा है आपका सरगुजा, सरगुजा के बाद आ जाएगा मुंगेली, मुंगेली के बाद रायगढ़, चार जिले हो जाते हैं। दुर्ग संभाग में आते हैं कबीरधाम, राजनांदगांव और आपका दुर्ग, 4, 3, 7, रायपुर हो गया 8, बस्तर में दंतेवाड़ा और बस्तर आपको प्रमुख लगे। ठीक, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करें और कौन सा कहाँ पर की कौन सी ब्रांडिंग है उसे आप ध्यान रखें, बस्तर का बस्तर नेचुरल, दंतेवाड़ा का आदिम ब्रांड आपको याद हो गया, और जहाँ की जैसी जैसी नदियाँ हैं ना उसके हिसाब से भी नाम दिया हुआ है, मुंगेली के पास आगर ले लो, रायगढ़ के पास केलो ले लो, दुर्ग के पास शिवनाथ ले लो, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए इसको आप देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार जैविक खेती योजना से संबंधित तथ्य सत्य है, छत्तीसगढ़ 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित कर दिया है, दूसरा 22 जिलों के एक एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड के रूप में विकसित करने की योजना है, और तीसरा तिल कस्तूरी राज्य में
एक जैविक धान की सुगंधित किस्म है। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये बोल रहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित कर दिया गया। बिल्कुल सत्य है, याद रखेंगे बस्तर संभाग के 4 जिले और रायपुर संभाग का 1 जिला पूर्ण जैविक जिला घोषित हो गया। तो रायपुर का कौन सा आपको पता होगा, जिसका नाम क्या है, गरिया बंद, जो कि पूर्ण जैविक जिला घोषित कर दिया गया है। और उसके पश्चात ध्यान रखेंगे आप यहाँ का बस्तर से सुकमा, सुकमा से चले हम कहाँ पर, बीजापुर, ठीक, और बीजापुर से कहाँ चले गए हम, नारायणपुर। अब बीजापुर के बाद हम कहाँ देख लेंगे एक और, दंतेवाड़ा। इस तरह से 1, 2, 3, 4 और गरियाबंद मिला के 5 जिले जो है वो क्या घोषित हो चुके हैं, पूर्ण जैविक जिले घोषित हो चुके हैं, तथा 22 जिलों के 1-1 विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड करने की योजनाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। तीसरा है तिल कस्तूरी राज्य में एक जैविक धान की सुगंधित किस्म है, ये भी सत्य है। तो ऐसे आपको याद रखना होगा, जिस प्रकार से आदिम के बारे में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बात किया था, आदिम जो चावल है, ठीक, आदिम जो चावल है यह दंतेवाड़ा में स्व सहायता समूह एवं किसानों की सहायता से उगाया जा रहा है। तो ये आदिम चावल कहाँ से आ रहा है, दंतेवाड़ा से आ रहा है। और एक चीज़ याद रखें, इसकी ब्रांडिंग जो कर रही है वह कर रही है भूम गादी नामक एक कंपनी, याद रखेंगे भूम गादी नामक जो कंपनी है वह इस आदिम ब्रांड या इस आदिम चावल को बाहर यानी छत्तीसगढ़ से बाहर यानी नेशनल लेवल पर लेकर जाना तथा उसकी मार्केटिंग करना, और उस मार्केटिंग के द्वारा उन किसानों को जिन लोगों ने इस आदिम चावल को आगे बढ़ाने या उगाने या उसकी उत्पादकता बढ़ाने में काम कर रहे हैं उनको फायदे पहुंचाने का काम ये भूम गादी नामक कंपनी कर रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक। और उसके साथ ही साथ आप एक और चावल का नाम याद रख सकते हैं जिसका नाम है लोकटी मांझी, ठीक है। ये सारे धान की किस्म है, इसको कम से कम याद हो जाए। पहला तो हमने देखा तिल कस्तूरी, दूसरा हमने आदिम ब्रांड को देखा, तीसरा हम देख रहे हैं लोकटी मांझी। लोकटी मांझी क्या, लोकटी मांझी भी एक सुगंधित चावल का किस्म है जो कि आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसे उगाया जा रहा है, तथा इस्कॉन टेम्पल मुंबई में इस चावल से बने हुए प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। तो इसलिए लोकटी मांझी को आप याद रखें। और साथ ही साथ एक और याद रखेंगे, जीरा फूल। जीरा फूल भी एक धान की किस्म है, पहला पॉइंट तो यही याद रखें क्योंकि हम इसी फ्लो में चल रहे हैं। तो जीरा फूल भी धान की ही किस्म है। अब आगे बढ़ते हैं, तो जीरा फूल धान की पहली ऐसी किस्म है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो ये सुगंधित धान की एक किस्म है, जैसा तिल कस्तूरी था उसी तरह जीरा फूल भी धान की एक किस्म है जिसे छत्तीसगढ़ से जीआई टैग प्राप्त हुआ है, पहला चीज। दूसरा चीज याद रखेंगे, धान की किस्म, ठीक है। चलिए उसके बाद एक चीज याद रखेंगे, ये कृषि उत्पाद है, ठीक है, यह एक कृषि उत्पाद है, यानी कि पहला ऐसा कृषि उत्पाद है जिसे क्या मिला है, जीआई टैग। बाकी और भी चीजों में मिलती है लेकिन कृषि उत्पाद में पहला किसको जीआई टैग मिला, जीरा फूल को मिला, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वह होगा डी, उपरोक्त सभी। तो यहां पे आप 5 जिलों के नाम जान लिए, 22 विकास खंड के बारे में जाने, बस कुछ चावल के बारे में भी आपने ज्ञान अर्जन किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। अब हमें ध्यान रखना है निम्नलिखित कुछ ऑप्शन देगा क्वेश्चन, उसमें कौन से गलत है और उसके अनुसार हम एक एक आंसर निकालेंगे। पहला है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना के लिए 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। किसके लिए बोल रहा है, कृषि यंत्र सेवा केंद्र, यंत्र सेवा केंद्र याद रखेंगे, मशीनीकरण परीक्षण केंद्र भी बोला जा सकता है। तो कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए कितने तक की, 10 लाख तक की फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, ठीक, यानी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। दूसरा कथन दिया है, 26 नवीन स्थायी मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित है। तीसरा, राजनांदगांव में पौध संरक्षण औषधि व गुण नियंत्रण प्रयोगशाला है। और फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो पहला वाला जो कथन वो बिल्कुल सत्य, कृषि यंत्र सेवा केंद्र की स्थापना के लिए 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, बिल्कुल। और उसके साथ एक चीज याद रखें, रायपुर में किसी यंत्र सेवा केंद्र की भी स्थापना की जा चुकी है। तो अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा कि कृषि यंत्र सेवा केंद्र कहां पर है, तो याद रखेंगे रायपुर में कृषि यंत्र सेवा केंद्र, ठीक। दूसरा, 26 नवीन स्थायी मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला है पूरे छत्तीसगढ़ में, कितने हैं, 26 स्थायी मृदा प्रयोग प्रशिक्षण प्रयोगशाला, और जिसमें 26 में से जो 11 प्रयोगशाला हैं वह मंडियों के अंतर्गत ही स्थापित किया गया है, ठीक। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, 174
मिनी लैब, 174 मिनी लैब मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला, मिनी लैब की बात कर रहा हूं, मिनी लैब मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला बनाने की योजना हो रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद थर्ड आपको पता है एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए यहां पर एक चीज और देखते हैं, 26 मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला, 174 मिनी लैब मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला, और साथ ही साथ याद रखेंगे यहां पर बीज प्रशिक्षण, क्या प्रशिक्षण, बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला को भी आप ध्यान रखें। बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला जो है वो आपका है बिलासपुर में, जगदलपुर में और आपका अंबिकापुर में, ठीक। मध्य छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, बिलासपुर, इस तरह से याद रखें। ये बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला, ठीक। कृषि यंत्र प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहां पे, रायपुर में। मृदा प्रशिक्षण कितने जगह पे, 26 पे। मिनी कितना, 174, और साथ ही साथ बीज प्रशिक्षण कितना, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में स्थापित हो चुके हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, ठीक। चलिए उसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, पहला किसान शॉपिंग मॉल, फर्स्ट किसान शॉपिंग मॉल आप सबको पता है यह है आपका राजनांदगांव में 2010 में स्थापित किया गया। दूसरा किसान शॉपिंग मॉल आप सबको पता है कहाँ पे, महासमुंद पे, ठीक। पहला चीज, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, पहला जैविक हाट जिला, पहला जैविक हाट बाजार स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, गरियाबंद पे, ठीक। क्लियर, पहला किसान शॉपिंग मॉल, यह शॉपिंग मॉल ऐसा है कि यहाँ पे कृषि संबंधित सारे उपकरण, बीज, खाद, साथ ही साथ वहाँ पर पीवीआर, सारी चीज़ें वहाँ पर व्यवस्था होती है। यह इस तरह से किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव में 2010 में बनाया गया, और दूसरा महासमुंद पे, क्लियर, किसान शॉपिंग मॉल। दूसरा फर्स्ट जैविक हाट बाजार कहाँ पे, गरियाबंद में, क्योंकि गरियाबंद भी एक ऐसा जिला जो पूर्ण रूपेण क्या हो चुका है, जैविक जिला घोषित हो चुका है। तीसरा एक चीज आप ध्यान रखेंगे यहां पर, तीसरा ध्यान ये रखेंगे कि पहला फर्स्ट किसान बाजार, ठीक है, फर्स्ट किसान बाजार, या इसे कहीं कहीं पर किसान उपभोक्ता बाजार के नाम से भी पुकारा जाता है, तो फर्स्ट किसान बाजार जो है वो धमतरी में स्थापित किया जा चुका है 2018 के समय, और अभी अन्य जिलों में भी इसे स्थापित किया जा रहा है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यानी कि मंडी प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के अंतर्गत जो मंडी प्रशासन होता है, मंडी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किसानों को अपनी उपज या अपनी उत्पादन को बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए छोटे छोटे हाट प्रोवाइड किए जाएंगे, और उसमें भी वो क्या होगा, एक टाइम स्लॉट में बटा होगा कि ये व्यक्ति को ये अलॉट हुआ है जो कि 5 घंटे अपनी सेलिंग करेगा, नेक्स्ट 5 सेलिंग करेगा। इससे ये होगा कि बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो कट हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो किसान बिचौलियों के थ्रू पहले सब्जियां या अन्य उत्पादन को विक्रय करता था, अब वो सीधे उपभोक्ता से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि वह उस बाजार में उपभोक्ता आएगा और सामान बेचने के लिए किसान आएगा, यानी इन दोनों के आसपास डिमांड एवं सप्लाई दोनों की आधार क्रियाएं प्रसारित होंगी। तो किसान एवं उपभोक्ता के मध्य एक संबंध स्थापित करने के लिए ही किसान बाजार क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, यहां पर उस उत्पादन या उस उत्पाद की वैल्यू या मूल्य, उत्पाद की वैल्यू या मूल्य की गणना, ठीक है, की गणना मंडी प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, ठीक। चलिए, फर्स्ट किसान शॉपिंग मॉल राजनांदगांव, फर्स्ट जैविक हाट बाजार गरियाबंद, फर्स्ट किसान बाजार आपका हो गया धमतरी पे, ठीक है। इसके अलावा और भी जगह ये चीजें हो रही हैं। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उद्यानिकी से, किससे, उद्यानिकी से। चलिए पहला है छत्तीसगढ़, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी से संबंधित तथ्यों में सत्य कथन है, क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी से संबंधित तथ्यों में सत्य कथन है, पहला सब्जी का सभी उद्यानिकी फसलों में क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक। दूसरा, कुल क्षेत्र पर उद्यानिकी का 8.59 लाख हेक्टेयर है, यहाँ पर आपको केवल हेक्टेयर में भी दिख रहा है बट 8.59 लाख हेक्टेयर है। तीसरा, दूसरे नंबर में रोपित उद्यानिकी फसलों में मसाला है, और चौथा, सबसे कम उत्पादित उद्यानिकी फसलों में फल है। चलिए, और फिर है इसके ऑप्शन ए बी सी डी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, केवल वर्ग 1 और 2,
ठीक, इसका आंसर क्या होगा, केवल एक और दो। तो जिस प्रकार से आपको स्लाइड हो रहा है यहां पर, अगर मैं बात करूं रोपित उद्यान की फसलों पे और उत्पादित उद्यान की फसलों में, देखिए दोनों स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, सब्जी का सभी उद्यान की फसलों में क्षेत्र सबसे अधिक है, ये सत्य है। कुल क्षेत्रफल जो है वह कितना है, 8.59 लाख हेक्टेयर, ठीक है। और कृषि जो हम लोगों ने देखा था कितना, 50.84 लाख हेक्टेयर में 8.59 लाख हेक्टेयर क्या है उद्यानिकी, यानी कि बागवानी फसलों के लिए क्या है, सेंट्रीट है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 8.59 लाख हेक्टेयर जो है वह उद्यानिकी फसलों का कुल क्षेत्रफल है, पहला चीज ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है, एक जगह बोलेगा आपको रोपित, दूसरे जगह बोलेगा आपको उत्पादित, ध्यान रखेंगे ठीक। रोपित और उत्पादित दोनों अलग चीज, रोपित मतलब उसे लगाना, मैंने यहाँ पर वो फसल लगाई और वहाँ से कितना प्रोडक्शन मुझे मिल रहा है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों पे फसलों के आधार पर हम देख सकते हैं यहाँ पे ठीक। तो रोपित उद्यानिकी की फसलें आपको दिख रही होंगी, पहला सबसे ज़्यादा रोपित किया जा रहा है सब्जी को, फल को, मसाला को ठीक, फिर है आपका औषधि एवं सुगंधित फसल ठीक। तो ये क्रम आपको दिख रहा है और इसके आधार पर कथन तीन अगर आप देखेंगे, कथन तीन देखेंगे, दूसरे नंबर में रोपित उद्यानिकी फसलों में मसाला है तो बिल्कुल गलत, दूसरे नंबर में रोपित उद्यानिकी फसलों में क्या आएगा, फल आएगा, मसाला तीसरे नंबर पे आएगा। और चौथे कथन के लिए हमने बेस लिया हुआ है इस स्टेटमेंट को कि सबसे ज़्यादा है सब्जी, फिर है फसल, फिर है मसाला और फिर है औषधि एवं सुगंधित और देन है आपका पुष्प। तो इसके आधार पर सबसे कम उत्पादित उद्यानिकी फसलों में क्या है, फल है, जो कि गलत है। सेकंड नंबर में उत्पादित उद्यानिकी फसलों में है और सबसे कम तो यहां पर पुष्प है। तो इस आधार पर इसका आंसर क्या होगा, सी, केवल एक और दो। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो उद्यानिकी फसल है उन उद्यानिकी फसलों के लिए रबी वर्ष 2019-20 के लिए, रबी वर्ष 2019-20 के लिए मौसम आधारित जो फसल बीमा योजना है, क्या बोला, रबी फसलों के लिए 2019-20 रबी फसल 2019-20 के लिए जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 27 जिलों को रखा गया है और रबी की उद्यानिकी फसल जैसे कि टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर एवं आलू, इनके लिए 1 जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक, 1 जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक किसी भी प्रकार की अगर फसल हानि होती है या ओलावृष्टि से वहाँ पे फसलों की हानि होती है तो वो सारे फसल बीमा के दायरे पे आएगा और उनका जिस प्रकार से इंश्योरेंस हुआ है उन्हें या जिस प्रकार से उनकी बीमा हुई है उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछेगा खरीफ के लिए, अभी तो खरीफ नहीं आया बट खरीफ के उद्यानिकी फसलों को आप ध्यान रखेंगे, इसमें आ जाएगा जो कि बीमा के दायरे में अक्सर रखा जाता है, टमाटर, बैंगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च और आपका अदरक। तो रबी की फसल में इसको याद रखें उद्यानिकियों में, और खरीफ में इनको याद रखें जो कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये आते हैं ठीक। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, धान खरीदी 2019-20 में कब से कब तक जारी रहेगी, कथन आपको दिख रहा है। तो पहला आंसर इसका 1 दिसंबर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक होगा, यानी कि प्रश्न 6 का जो आंसर होगा वह होगा ए ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि 1 दिसंबर 2019 से लेकर 2020 15 फरवरी तक धान खरीदी की जाएगी और साथ ही साथ मक्का की खरीदी के लिए 1 दिसंबर से लेकर 30 मई 2020 तक का जो डेट है वह फाइनल किया गया है। और अभी राज्य सरकार पहले यह डेट 15 नवंबर था लेकिन केंद्र और राज्य सरकार के मध्य काफ़ी चर्चाएं हुई और इसमें राज्य सरकार ने यह फाइनल कर दिया कि जो वो धान खरीदेंगे वह पच्चीस सौ रुपये पर क्विंटल के हिसाब से क्या किया जाएगा, धान खरीदा जाएगा। और जो केंद्र सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जा रहा है वह 2019 और 20 के लिए, यानी कि धान के लिए वह वैल्यू है 1815 रुपये और धान ग्रेड ए के लिए जो वैल्यू है वह है 1835 रुपये, जो कि 2018-19 में यह जो वैल्यू थी वह थी 1750 रुपये और ये जो वैल्यू थी वह थी 1770 रुपये, यानी कि इसमें 65 रुपये की वृद्धि हुई है और यहाँ भी हमें 65 रुपये की वृद्धि लगभग दिखती है ठीक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि 18-19 में क्या था
और 19-20 में क्या था, लेकिन राज्य सरकार इसे 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी, क्योंकि 2018-19 में भी राज्य सरकार के द्वारा 2500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा गया था। अभी सरकार राज्य सरकार इतना रुपए यानी 1815-1835 रुपये किसानों को बैंक खाते के थ्रू यह प्रोवाइड कर रही है और आने वाले टाइम में यह 2500 रुपये भी देगी। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने रुपए में पर क्विंटल धान खरीदा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है 2500 रुपये में ही धान खरीदा जा रहा है। और इसके लिए एक समिति की गठन की गई है और वह समिति का गठन रविंद्र चौबे, किसके द्वारा, रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, रविंद्र चौबे जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है कि इस प्रकार से 2500 और 1815 के बीच जो डिफरेंस अमाउंट है उसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के संसाधनों का प्रयोग किया जाएगा और ये पैसे उन्हें किसानों तक पहुँचाया जाएगा। इसके लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है, रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर आपको क्लियर होता है, आंसर होगा ए, 1 दिसंबर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित तथ्य नीचे दिए गए हैं, सत्य कथन की पहचान करें। बात आ गई यहाँ पर सिंचाई की, सिंचाई का मतलब क्या होता है इसे हम समझते हैं। सिंचाई का तात्पर्य होता है जब पौधों को आवश्यकता अनुसार और नियमित मात्रा में पानी प्रदान किया जाता है, ठीक, जब जल प्रदान किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, ठीक है। चलिए तो कथन हम पढ़ते हैं और कथन के हिसाब से किस प्रकार से उसमें ऑप्शन दिया है उस पर हम आंसर को समझेंगे। पहला, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ सिंचाई क्षमता 13,28,000 हेक्टेयर था, ठीक, मार्च 2018 की स्थिति में 7,60,000 हेक्टेयर में वृद्धि हुई। वर्तमान में 8 वृहत परियोजनाएं हैं जिनमें 4 निर्माणाधीन है और छत्तीसगढ़ में सतही जल का प्रतिशत भूमिगत जल से कम है। चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जब राज्य का निर्माण हुआ, ठीक, जब राज्य का निर्माण होता है तो हमारी सिंचाई क्षमता जो होती है वह होती 13,28,000 हेक्टेयर, ठीक, और मार्च 2018 में हमारी जो क्षमता हो गई है वह हो गई है 20,88,000 हेक्टेयर, ठीक है। यानी कि 2000 में 13,28,000 हेक्टेयर था और मार्च 2018 में 20,88,000 हेक्टेयर हमारी सिंचाई क्षमता है। अगर इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करूं, दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने पर हमें 7,60,000 हेक्टेयर की वृद्धि होती है। यानी मैं कह सकते हैं कि जब राज्य का निर्माण हुआ था तब से लेकर अब तक 7,60,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में हमने वृद्धि किया है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, 2028 तक ये सिंचाई क्षमता 32 लाख हेक्टेयर, कहाँ तक, 32 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक। उसके बाद जो आगे का ऑप्शन है, वर्तमान में 8 वृहत परियोजनाएं जिनमें से 4 निर्माणाधीन है, इसके लिए सिंचाई से संबंधित और कुछ तथ्य एंड फैक्ट है उसे हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। जो नदी परियोजनाएं होती हैं उनको सिंचाई क्षमता के आधार पर हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला वृहत प्रोजेक्ट यानी कि वृहत परियोजना यानी कि लार्ज प्रोजेक्ट, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वृहत परियोजना की क्राइटेरिया क्या है, तो ध्यान रखेंगे जिस परियोजना के द्वारा 1000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रों की सिंचाई की जा सकती है, इरिगेट किया जाएगा, वह मेरा वृहत परियोजना के अंतर्गत आएगा। दूसरा मध्यम प्रोजेक्ट वे होंगे जिनकी सिंचाई क्षमता 2000 से लेकर 10000 हेक्टेयर के अंतर्गत आएगी। और तीसरी परियोजना जो होगी उसको हम बोलेंगे लघु, और जिसकी क्षमता होगी 2000 से कम। अर्थात 3 आधार पर हम यहाँ पर सिंचाई क्षमता के आधार पर प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं। पहला 10000 से अधिक, दूसरा 10000 से 2000 और तीसरा 2000 हेक्टेयर से कम। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि सिंचाई क्षमता के आधार पर कितने प्रोजेक्ट्स थे यहाँ पे। तो याद रखेंगे राज्य निर्माण, अच्छा इसमें जो परसेंटेज है वो मैं आपको सिंचाई या इरिगेशन वाले टॉपिक में बताऊंगा, यहाँ पर इस चीज़ को समझिए और सेम फॉर्मेट के साथ हम इरिगेशन वाले टॉपिक में भी देखेंगे, तो इसको यहीं पर आप याद कर लीजिए। राज्य निर्माण के समय जो वृहत प्रोजेक्ट थे यानी वृहत परियोजना थी वह थी 3, वह थी 3, ठीक, मध्यम प्रोजेक्ट थे 29 और लघु प्रोजेक्ट थे 1 to 1945। वर्तमान में ये प्रोजेक्ट बढ़ के वृहत में हो गए 8, मध्यम में हो गए 37 और लघु में हो गए 2468। निर्माणाधीन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है 4, मध्यम में 1 और लघु में 391। तो ध्यान रखिएगा जो 3, 8, 4 हैं इनके नाम
तो याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें केवल याद रखने की वर्तमान में कौन कौन से 8 प्रोजेक्ट्स हैं और वर्तमान में कौन कौन से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो निर्माणाधीन है, और इसी आधार पर ये प्रोजेक्ट्स कब कब बने थे, तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेट का फॉर्मेशन वाले टॉपिक को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस आधार पर हमने एक तरफ निर्माण के आधार पर देखा और दूसरी तरफ हमने क्या देखा, सिंचाई क्षमता के आधार पर देखा। तो निर्माण के आधार पर हम ईयर वाइज देखेंगे और सिंचाई क्षमता के आधार पर हम देखेंगे, और हम यहाँ पर देखेंगे वृहत परियोजना 8 कौन कौन से हैं और निर्माणाधीन वर्तमान में कौन कौन सी परियोजना है जो अभी निर्माणाधीन है और कौन सी नदी पर है। ठीक है, हम देखते हैं एनीकट के बारे में। तो जो एनीकट वर्तमान में, इसको ध्यान रखेंगे 685 और ये है 147। ये सारे जो डाटा हैं जो अभी करेंट के जो इकोनॉमिक सर्वे आए हुए हैं वह 2018 और 2019 आर्थिक सर्वेक्षण से ये डाटा लिए गए हैं। तो दोस्तों आइए आज अब देखते हैं हम लोग कि ये जो 8 बड़ी परियोजना है, कौन सी 8 बड़ी परियोजना है वो कौन कौन सी है। तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करने के लिए हमें समझना होगा। चलिए आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि ये जो 8 बड़ी परियोजना है, ये जो 4 छोटी परियोजना है, 4 छोटी परियोजना है मतलब जो निर्माणाधीन परियोजना है वो कौन कौन सी है। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे वृहत प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो 8 परियोजना है, पहले याद रखेंगे महानदी परियोजना समूह। तो याद रखेंगे इस महानदी को हम बेस लेके बाकी चीज़ों को याद करते हैं, कुछ महानदी के इधर और महानदी के इधर, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बड़ा है, कौन सा परियोजना निर्माणाधीन है, कौन सा परियोजना बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा जो महानदी है, देखो महानदी परियोजना समूह नंबर 1। ठीक, दूसरा हम बात करते हैं महानदी के साइड में, डायरेक्शन में महानदी के दक्षिण में कौन कौन सी परियोजना आएगी। एक आएगी पैरी परियोजना, सेकंड नंबर में हम ले लेंगे पैरी, और पैरी पे जो परियोजना बन रही है वो है सिकासार परियोजना जो कि गरियाबंद में है। दूसरा एक आ जाएगी जोक, जोक नदी पर जोक वेपरतन बन रही है, जोक वेपरतन आएगी जो कहाँ पर आएगी, महासमुंद में, यानी कि हो गए 3। और चौथा परियोजना जो कि है कोडार परियोजना जो कि कोडार नदी पर है और ये भी कहाँ पर आएगी, महासमुंद में आएगी। इसी कोडार परियोजना को हम क्या बोलते हैं, शहीद वीर नारायण परियोजना। करेक्ट, अब 1, 2, 3, 4 ये 4 परियोजना हो गए, अब 8 लेके आना है हमें और 4 को बताना होगा। तो फिर से आप ध्यान रखेंगे, पहला एक परियोजना जो होगा वह होगा 4 के बाद, मतलब पांचवा जो परियोजना होगी वह होगी मेरी मनियारी परियोजना। कौन सी परियोजना, मनियारी परियोजना। ये देखिए अब महानदी के उत्तर की तरफ जा रहा हूं, पहली परियोजना हमने पांचवा नंबर में परियोजना देखा मनियारी परियोजना जो है, इसका अन्य नाम जो है राजीव गांधी परियोजना है। उसके बाद एक और परियोजना हम देखेंगे खारंग नदी पर, खारंग नदी हमने सारी नदियों के बारे में देखा है खारंग नदी। ठीक, तो खारंग नदी पर जो परियोजना है उसे खूटाघाट परियोजना बोला जाएगा या उसे संजय गांधी परियोजना बोला जाएगा। और उसके बाद एक और परियोजना है 7वें नंबर पे, वह होगा मेरा हसदेव परियोजना जो कि हसदेव नदी पर है और इसका नाम है मिनी माता बांगो बांध बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 देखा, और 8वें नंबर पे जो परियोजना है उसे हम बोलते हैं तांदुला परियोजना समूह या तांदुला परियोजना। ये हो जाएगा मेरा 8वें नंबर का परियोजना जो कि कहां पर है, जो है बालोद जिले पे। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से 8 परियोजना है, और जो 4 परियोजना क्या है मेरा निर्माणाधीन। तो 4 परियोजना निर्माणाधीन कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे पहली जो परियोजना होगी वह होगी मेरी अरपा नदी पर। ठीक, दूसरी परियोजना जो होगी मेरी वह होगी केलो नदी पर। ठीक, तीसरी परियोजना जो होगी वह होगी मेरी रायपुर में समोदा वेपरतन, राजीव समोदा वेपरतन। ठीक है, उसके बाद मेरी जो चौथी परियोजना है वह परियोजना है मेरी सोंडूर परियोजना। ठीक है, जो कि धमतरी जिले पर। तो ध्यान रखेंगे अरपा पे कौन सी है, अरपा पे कौन सी आएगी, बिलासपुर पे, केलो कहां पर आएगा, रायगढ़ पे। ठीक, समोदा कहां पर आएगा, रायपुर पे, और सोंडूर परियोजना कहां पर आएगी, मेरी धमतरी में। साइड में आपको सारी परियोजना लिखी हुई मिल रही है और इसे आप कॉपी में नोट डाउन भी करते रहिए। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने 8 जो वास्तविक में हमारे छत्तीसगढ़ में और दूसरा 4 जो ऑलरेडी निर्माणाधीन है, हम इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे वृहत परियोजनाओं में कितना आएगा, वर्तमान में 8 वृहत परियोजनाएं हैं जिनमें से 4 निर्माणाधीन है। करेक्ट है, जैसा कि आप लोगों ने थ्योरी में देखा। और फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में सतही जल का प्रतिशत भूमिगत जल से कम है। इस ऑप्शन को क्लियर करने के लिए देखते हैं कि सतही जल, ध्यान रखेंगे सतही जल जो है, सतही जल का लगभग 86% हम सिंचाई में क्या कर ले रहे हैं, प्रयोग कर ले रहे हैं, और साथ ही साथ जो भूमिगत जल है, ठीक, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसका 37% लगभग 37% प्रयोग हम सिंचाई में कर ले रहे हैं। अर्थात ये होता है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी भूमिगत रिसोर्सेस पे क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, और जिससे कि सतही जल को और क्या किया जा सके, सीमित किया जा सके। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में सतही जल का प्रतिशत भूमिगत जल से कम है, तो यह ऑप्शन होगा गलत।
ध्यान रखेंगे यह ऑप्शन होगा गलत, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सतही जल का प्रतिशत जो है वह ज्यादा है भूमिगत जल से। ठीक, अच्छा, इसका जो ऑप्शन आएगा आंसर केवल 1, 2 एंड 3, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, केवल 1, 2 एंड 3। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से असत्य कथन की क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। ठीक है, पहला, कुल सिंचित क्षेत्रों में जांजगीर चांपा जिला सबसे आगे है। अच्छा, ध्यान रखेंगे इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आते हैं, कुल सिंचित क्षेत्र, नीरा बोया गया क्षेत्र, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला, बोया गया क्षेत्रफल के आधार पर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, और उन बोए गए क्षेत्रों पर किस प्रकार से सिंचाई किया गया है उस आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है सिंचाई के आधार पर, तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिंचाई के आधार पर। कुछ फैक्ट्स हैं, उसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, पहला है, कुल सिंचित क्षेत्रों में, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है, बोल रहा है कुल सिंचित क्षेत्रों में जांजगीर चांपा जिला सबसे आगे है। ठीक, तो बिल्कुल देख लीजिए, सिंचित क्षेत्रों में दो चीजें डेट आएंगी, पहला एक क्षेत्रफल के आधार पर और दूसरा प्रतिशत के आधार पर, हम इसी में बात करेंगे। हम पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 की। ठीक, पहला क्या बोल रहा है, कुल सिंचित क्षेत्रों में जांजगीर चांपा जिला सबसे आगे है। सत्य है, क्षेत्रफल में वो आगे है और प्रतिशत में भी जांजगीर चांपा ही आगे है, ध्यान रखेंगे। और मैं क्वेश्चन कौन सा डिस्कस कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिंचित या सिंचित सिंचाई से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, मैं फसल या कितना फसल बोया गया मैं उससे संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो ध्यान रखेंगे कि सिंचाई से संबंधित क्वेश्चंस है जिसमें कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत में अगर मैं बात करूँ तो वह क्या है आपका, जांजगीर चांपा। ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं, यानी कि बी, नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर जांजगीर चांपा जिला आगे है। पहले कुल सिंचित क्षेत्र की बात की गई, अब बात कर रहे हैं नीरा एवं शुद्ध सिंचित क्षेत्र की, तो बिल्कुल यहाँ क्षेत्रफल में भी आगे है और प्रतिशत में भी आगे है, कौन सा, जांजगीर चांपा। चलिए सी में चलते हैं, कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे कम सिंचित जिला क्षेत्रफल के आधार पर, कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे कम सिंचित जिला। ठीक, कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे कम सिंचित जिला क्षेत्रफल के आधार पर नारायणपुर है। तो तीसरा बिल्कुल सत्य, किसके आधार पर बोल रहा है ये, क्षेत्रफल के आधार पर बोल रहा है, यानी कि नारायणपुर सबसे कम है और उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा क्या है आपको ध्यान रखना है, दंतेवाड़ा। ये क्षेत्रफल के आधार पर हमने क्या किया, बात किया। ठीक, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, डी, नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर, ये क्षेत्रफल के आधार पर था, अब प्रतिशत के आधार पर बात कर रहा हूँ, आधार पर नारायणपुर सबसे कम है। देखते हैं, नारायणपुर नहीं, यहाँ पर आएगा आपका दंतेवाड़ा सबसे कम है और उसके बाद आ जाएगा आपका नारायणपुर, यानी कि यहाँ पर ये इंटरचेंज हो जाता है, बस इसे याद रखना। यानी टोटल इस क्वेश्चन में आपको 4 जिले याद रखने, एक तो जांजगीर चांपा, दूसरा नारायणपुर और तीसरा दंतेवाड़ा। जांजगीर चांपा कुल सिंचित क्षेत्र पे आगे है क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के भी आधार पर। ठीक, उसके बाद नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र में भी जांजगीर चांपा आगे है, अधिकतम की बात करेगा, और जब मिनिमम की बात करेगा तब क्षेत्रफल के आधार पर नारायणपुर और दंतेवाड़ा, कुल सिंचित क्षेत्र में सबसे कम की बात करेगा तब नारायणपुर और दंतेवाड़ा की बात हो जाएगी, और नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर अगर की बात करेगा तब वहां पर दंतेवाड़ा और नारायणपुर अधिक हो जाएगी। करेक्ट होती है बात यहाँ पे, तो इन चीजों को आप क्या करें, याद करें, यानी इसका आंसर होगा डी, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, तो निरय या शुद्ध सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत के आधार पर नारायणपुर सबसे कम है, गलत, वहां पर क्या आएगा, दंतेवाड़ा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है। ठीक, तो निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है, इसमें पशुधन से संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पशुधन हमारे यहाँ 19वीं पशु संगणना 2012 में होती है। कौन सी, 19 पशु संगणना 2012 में होती है, और इसके अनुसार पर पशुओं का क्या किया गया, कैलकुलेशन किया गया। ठीक, जिसमें कुल पशुधन जो है वह आपके 1.5 करोड़ और कुक्कुट एवं पक्षी धन की संख्या है 1.80 करोड़। क्लियर होती बात यहाँ पे, 1.50, 1.8 करोड़, याद रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है 19वीं पशुधन संगणना के द्वारा कितने पशुधन है 1.5 करोड़, कितने पक्षीधन कुक्कुट है 1.8 करोड़। ठीक, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित पशुधन विद्यमान है, पहला गौवंशी, दूसरा भैंसवंशी, तीसरा सुअरवंशी और चौथा है भेड़वंशी। संख्या के आधार पर घटते क्रम में चिन्हित
कीजिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ए 1, 2, 3 एंड 4। इसमें ध्यान रखते ये है कि गौ वंशी यानी गौ की संख्या जो है वह है 98.13 लाख। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका बकरा एवं बकरी की संख्या जिसकी वैल्यू है 32.25 लाख। फिर आता है भैंस की संख्या और जिसकी वैल्यू है 13.90 लाख। और फिर आती है आपकी सुअर की संख्या, वो है आपका 4.39 लाख। क्लियर, तो गौ के बाद भैंस, भैंस के बाद सुअर और सुअर के बाद भेड़ जो है, और भेड़ की संख्या 1.68 लाख। करेक्ट, तो इस तरह से इसमें क्रम में जो होगा वह होगा 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर होता है यहां तक क्वेश्चन 9? तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। पहला, फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सा या हिस्सेदारी जो है 11.07 है, वृद्धि दर्ज की गई है 3.81%। पशुधन का जीएसडीपी में भागीदारी 1.45% एंड वृद्धि प्रति 6.35। एंड मत्स्य क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में जो या जीएसडीपी में या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो हिस्सेदारी 2.08 और वृद्धि प्रतिशत 6.10 एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी एक स्ट्रैटेजी हमको ये फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी डाटा एवं आंकड़े होते हैं, काफ़ी तथ्य होते हैं जिसमें हम थोड़े घबरा जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जब आप चैप्टर 3 के पेज नंबर 30 से लेकर 36 में जाएंगे, चैप्टर 3 इकोनॉमिक सर्वे के 30 से 36 में जाएंगे, तब जो जीएसडीपी की गणना होती है, ठीक, तो वो दो आधार पर होती है। एक तो प्रचलित भाव के आधार पर यानी करेंट प्राइस के आधार पर, और दूसरी होगी स्थिर भाव के आधार पर यानी कि जो बेस ईयर होगा। अभी वर्तमान में जो बेस ईयर है वह है 2011-12 के आधार पर। यहाँ पर सारे आंकड़े आपको दिखेंगे और मैक्सिमम एग्जाम में स्थिर भाव पर ही क्वेश्चन पूछता है एंड सेकेंडरी प्रचलित भाव पे। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको क्या करना है, जब आप इस पेज में जाएंगे तो आपको सारे डाटाज मिलेंगे और डाटा जो होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। पहला, लाख रुपीस में यानी कि उस क्षेत्र के द्वारा कितने लाख रुपए की भागीदारी दी गई है, तो लाख रुपीस में एक डाटा मिलने वाला है। दूसरा, एक हिस्सेदारी जो होगी वो परसेंट में यानी परसेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, और तीसरी जो होगी वो वृद्धि होगी यानी कि लास्ट ईयर से कितनी वृद्धि है। यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है 2017-18 से लेकर 2018-19 में, 2017-18 से लेकर 2018-19 में आपके फसल क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है स्थिर भाव 2011 पे या प्रचलित भाव के आधार पर। ठीक, तो इस प्रकार से वृद्धि को यहां पर दर्शाएगा, तो पेजेस को आप देखें। उसके बाद जो आपको देखना है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, प्रचलित, प्राथमिक, द्वितीयक एवं सेवा क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो आपको इसी पेज में मिल जाएगा, आप उसे याद रखें। और यह क्वेश्चन पूछ सकता है कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के आधार पर पूछ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र का कितनी हिस्सेदारी है, द्वितीयक क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है, सेवा क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी किसमें, जीएसडीपी में। या पूछ सकता है कृषि क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है, उद्योग क्षेत्र की कितनी हिस्सेदारी है किसमें, जीएसडीपी में। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि क्षेत्र की, ठीक, कृषि क्षेत्र की जो जीएसडीपी में हिस्सेदारी है उसमें कृषि में फसल की, मत्स्य की, ठीक, वनों की और साथ ही साथ पशुधन की कितने हिस्सेदारी है, तो ये सब आपको उसी आधार पर मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं कि फसल क्षेत्र का जो जीएसडीपी में हिस्सा है उसको हम देखते हैं, ये स्क्रीनशॉट के आधार पर आप इसको देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि प्रतिशत वितरण जो दिया हुआ है स्थिर भावों पे, जैसे पहला देख रहे हैं आप लोग फसल पे 11.07, पशुपालन पे देख रहे हैं 1.45 और वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, इसमें मैंने ऑप्शन में नहीं है लेकिन यह है 2.61 और मछली उद्योग का मैंने लिया 2.08। ठीक, खनन में उत्खनन क्षेत्र है 11.18। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर सारे कथन सत्य हैं और यह है आपका प्रतिशत वितरण किस पे, जीएसडीपी पे, किस पे, स्थिर भावों पे। और दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि के आधार पर, ठीक, दूसरा आपको नीचे वाला जो दिख रहा होगा वो वृद्धि दिख रहा है, वृद्धि पे है यहाँ फसलों में जो 17-18 से 18-19 में जो डाटा में वृद्धि हुई हुआ है 3.81% की, पशुपालन में जो वृद्धि हुई है वह है 6.35% की और मछली उद्योग में जो वृद्धि हुई है वह हुई है 6.10% की। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा उसके आधार पर यहाँ पर ये सारे कथन जो है वह सत्य है और इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो आंसर होगा 4, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने कृषि से संबंधित सारे क्वेश्चंस देखे और सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने देखा और आगे भी हम इस तरह से चीजों को करते रहेंगे बाकी चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।